अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सर, झारखंड में आपने बड़ी उम्मीद से आप लड़े थे, रुझान भी सामने आए, क्या करना? नहीं देखिए, पहला इलेक्शन लड़े हैं, मैं झारखंड की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट दिया। और मैं उनसे उस वक्त भी वादा किया, आज भी वादा कर रहा हूँ कि हमारी जो वहाँ पर पार्टी हमने इस्टेब्लिश की थी वो सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं था, हम दोबारा मेहनत करते रहेंगे, उनका आवाम का इतमाद हासिल करेंगे। और मुझे यकीन है कि बिहार में भी हमने जब पहली मरतबा लड़ा था तो हमको कामयाबी नहीं मिली, पार्लियामेंट के इलेक्शन में हमको नहीं मिली, फिर उसके बाद जब बाई इलेक्शन आया किशनगंज में, हमने सिटिंग कांग्रेस सीट को बीजेपी सेकेंड आई, हम फर्स्ट आए। तो ये पॉलिटिक्स का नाम मेहनत है, जस्तजू है, पेशेंस है, हम लड़ेंगे, कोई बात नहीं है। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, ना झारखंड के लोग मुझे छोड़ने वाले, ना मैं उनको छोड़ने वाला हूँ, और दोबारा जाएंगे और हमारी कमजोरियाँ हैं उसको दूर करेंगे, उनका इतमाद हासिल करेंगे। रुझान जिस तरह से आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए थोड़ा संकट हो रहा है, तो कहीं आपके जो आरोप लगता है कि कहीं बीजेपी को ही आप लड़ आप नहीं नहीं आप ये तो देखिए, हरियाणा नहीं लड़े, हरियाणा नहीं लड़े, वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट बना ली। महाराष्ट्र में आपने तो कहा था कि ओवैसी को वोट मत दो, बीजेपी शिवसेना को रोकना है, और फिर जैसा नतीजा आया तमाम ने मिलकर निकाह कर लिया शिवसेना से, वलीमा भी कर लिया। आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे तो खुला खुला मैं कह रहा हूँ, आप तो धोखा देकर महाराष्ट्र में ये काम किए और मुझ पर आरोप लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं है, लगना भी चाहिए मुझ पर, डेमोक्रेसी है और मुझे उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं अपना काम करता रहूँगा।